राजधानी देहरादून के पल्टन बाजार में सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक अमला और अधिक संवेदनशील नजर आ रहा है। देहरादून के डीएम सविन बंसल ने सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 25 लाख का बजट निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि देहरादून का सबसे भीड़ वाला इलाका पल्टन बाजार है। यहाँ महिलाएं बच्चे रोजाना अधिक संख्या में आते हैं, साथ ही व्यापारियों की सुरक्षा की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि पुलिस की तैनाती के साथ साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग भी जरूरी है। इसके लिए बाजार में हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया है, जिससे आगे कोई आपराधिक गतिविधि ना हो सके और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा सके। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि इसके लिए देहरादून के SSP से इस विषय पर बात करके जल्द से जल्द इसका प्रपोजल मांगा जाएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। व्यापारी वर्ग की भी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो वहाँ पे पब्लिक आवागमन करती है, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, इट्स अ कंजेशन हॉटस्पॉट, पब्लिक हॉटस्पॉट, पर्टिकुलरली इन द इवनिंग अर्ली नाइट्स। सो वहाँ पर बहुत आवश्यक है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, कोई एडवर्स गतिविधि ना होने पाए। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी वहाँ पे सर्वेलेंस बनी रहे, पर पुलिस डिप्लॉयमेंट के साथ साथ जो हमारा टेक्नोलॉजी है उसको भी यूज़ करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि